अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने असील मुर्गों का सेटअप। इसी में मैं आपको आज दिखाऊंगा तितर, चकोर और कुछ मुर्गियों हमारे पास कुड़क बैठी हैं, उनके बच्चे निकले हुए हैं, वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले चल रहे हैं, ये मैं आपको जरा दिखा दूं अपना सेटअप। ये गैरी ये, और ऊपर इसके ये केज वगैरह बने हुए हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड पर जाते हैं तो इधर भी ऐसे ही हमारे पास ये मुर्गे खड़े हुए हैं, और ये एक मुकम्मल गैलरी है। यहाँ पर मुख्तलिफ नस्ल के हमारे पास हैं मुर्गे। तो शुरू करते हैं वीडियो का। आज सबसे पहले मैं आपको पेयर दिखा रहा हूँ जी। ये आपको जो मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ, ये हमारा यंग मेल जावा, पीला जावा है ये। अभी पहली क्रीज पर है, और उसके साथ दो मुर्गियाँ, ये भी काली, ये भी दोनों मियाँ वाली नस्ल की हैं। ये हमारा मुर्गा देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त तैयार हो रहा है जी, बहुत ही जबरदस्त। ये इसके मैं आपको दिखा रहा हूँ फेस, इसकी आइज चेक करें, इसका फेस चेक करें, और इसकी देखें आप चोंच जबरदस्त है, बहुत ही मजबूत जोड़ों का ये मुर्गा बनेगा हमारा। अभी कम एज है, पहली कुरीस है, मजीद आगे चलते हैं। ये वाइट शांगरा आपको दिखा रहे हैं, ये जबरदस्त मुर्गा है ये हमारा, और साथ ही इसके ये है मुर्गी, इस वक्त क्रीज पर हैं, मेल भी फीमेल भी दोनों इस वक्त हैं क्रीज पर। और ये आपको अपने पॉइंट शो करते हुए देखें इसका फेस, और बेहतरीन चौरस नली का, मजबूत जोड़ों का, किली मोरे का, बहुत ही आला जबरदस्त मुर्गा है ये, बहुत आला। हाँ, जो अब आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है वाइट जावा, और उसके साथ ही है सॉरी, ये जगह काटनी है। अच्छा जी, हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर है हमारे पास दो पट्टे, जबरदस्त यंग पट्टे हैं। इसमें एक तो है वाइट हीरा और दूसरा है ब्लैक जावा, और ये दोनों पट्टे अभी इनकी भी पहली कुरीजें होके हटी हैं। तकरीबन 50% ये कुरीज कर चुके हैं, अभी कुरीज हो रही है, आधी कुरीज हुई है। मैं आपको ये दोनों पट्टे, ये हमारी जबरदस्त हमारे यहाँ पर होम ब्रीड हमारे फार्म की, ये जो जावा है ये देखें जी, इसकी वाइट नोक नली में, और बहुत ही अच्छे पॉइंटों का है, मजबूत जोड़ों का। इसके जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास इनके माँ बाप खड़े हुए हैं, दोनों ही बहुत आला नस्ल के, आला ब्लड लाइन के हैं, और उन्हीं की हमने ये ब्रीड रोकी है। और साथ ही जैसे ये खड़ा हुआ है हमारे पास वाइट हीरा, पीली नोक नली है, पॉइंटों का बहुत अच्छा है, अच्छी हाइट का, अच्छा और बड़े साइज का ये मुर्गा बनेगा। यहां पर मैं आपको जो अब दिखा रहा हूं, ये भी है वाइट हीरा, इसमें हमारे पास हैं दो मुर्गियां। इसमें एक मुर्गी अब कुड़क पे आई हुई है, आप देख रहे होंगे जो पीछे मुर्गी खड़ी हुई है। मुर्गा भी इस वक्त मुकम्मल कुरीज पर है, मुर्गियां दोनों कुरीज पर हैं, लेकिन एक जो है ये अब कुड़क हो चुकी है, कहती है मुझे अंडे दो, मैंने अंडों में बैठना है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनके अंडे अपने इनक्यूबेटर मशीन में रखें। कुछ मुर्गियां ऐसी हैं जो हमने कुड़क बिठाई हुई हैं, उनके नीचे भी हम अंडे रख रहे हैं, वो भी मैं आज की वीडियो के
एंड पे दिखाऊंगा कुछ मुर्गियों के जिनके नीचे हमने अंडे रखे थे, उनके बच्चे भी निकल आए हैं, आज आपको वो भी दिखाएंगे जी। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारा पीला सरगा मुर्गा है और इसमें एक मुर्गी देखें बहुत ही जबरदस्त कलरों की है, ये है स्लेटी मुर्गी, व्हाइट नॉक नली है इसकी। और ये स्लेटी मुर्गी बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे पॉइंटों की मुर्गी है। इसके साथ ही हमारे पास ये खड़ी है काली मुर्गी, मियां वाली की नस्ल की काली मुर्गी है, इसके भी पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इसके बच्चे बहुत अच्छे आते हैं। जब हम पीले जावे के साथ पीले सरगे के साथ जब हम इसकी क्रॉस ब्रीड ले रहे हैं इस काली मुर्गी के साथ, तो इसमें से बहुत ही अच्छे जोड़ों के मुर्गे निकलेंगे, बड़े हैवी और बड़े कदावर होंगे, बड़े जोड़ों के होंगे और बहुत ही, ये दोनों की ब्लड लाइन भी वैसे बहुत स्ट्रांग है, इनके बच्चे जो निकलेंगे वो बहुत ही जबरदस्त होंगे जी। अब जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास है काला जावा और इसके साथ तीन मुर्गी हैं, तीनों मुर्गियां मियां वाली नस्ल की काली मुर्गियां, और इसमें एक मुर्गी जो है वो कुड़ा कोई बैठी है, अंडों के ऊपर बैठी हुई है, ये यहाँ पर अंदर ही अंडे दिए और ये यहाँ पर बैठ गई, फिर हमने इसे डिस्टर्ब नहीं किया, ये यहाँ बैठी हुई है। और बाकी ये दो मुर्गियाँ और ये मुर्गा बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंटों का, बहुत आला। हमारे पास जो सेटअप लगा हुआ है ये ब्रीडर सेटअप है, यहाँ पर जितने भी मुर्गे खड़े हुए हैं हमारे पास वो ब्रीडर हैं, हम इनके बच्चों की बच्चे यहाँ से अंडे लेते हैं और बच्चे निकलवाते हैं। काफ़ी दोस्त पूछते हैं हमसे कमेंट्स करके कि क्या लड़ाने का हमारा, बिल्कुल नहीं जी, हम इस चीज़ का लड़ाने के बिल्कुल हक में नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा जानवर अच्छा परिंदा रखने के शौकीन है कि हमारे पास एक अच्छी और अच्छी ब्लड लाइन है हमारे पास, उसी के हम ब्रीड लेकर उसको बढ़ा रहे हैं। हमारी मुर्गी कुड़ा को के बैठी हुई थी, वाइट हीरे के हमने अंडे रखे हुए थे, वाइट हीरे के, और ये बच्चे निकले हैं, सिर्फ एक बच्चा है जिसपे थोड़े ब्लैक डॉट आए हैं, लेकिन बाकी बच्चे पेपर वाइट हैं। ये देखें जी, बहुत ही जबरदस्त वाइट हीरे के बच्चे हैं। ये हमारे पास है वाइट जावा, इसके साथ हमारे पास तीन मुर्गी हैं, ये यूनिट है तीन मुर्गियां एक मुर्गे के साथ ब्रीडर, और बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन की मुर्गियां। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, दो मुर्गियां ये हैं बहुत ही जबरदस्त, और तीसरी ये काली नीचे खड़ी हुई है मुर्गी। ये मुर्गा हमारे पास खड़ा है पीला जावा, इसमें दो मुर्गियां हैं हमारे पास काली मियां वाली नस्ल की, दो मुर्गियां इसके साथ। ये है हमारा सेट, ये हमारे पास रत्ता लाखा मुर्गा है हमारे पास, और इसके साथ ही दो मुर्गियां हैं पीलियां सिंधी नस्ल की, और इसमें एक मुर्गी तो कुड़ाकों के बैठी है। मुर्गा आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत जोड़ों का, वाइट नॉक नली चोरस नली का बहुत अच्छा मुर्गा। ये जो आपको अब दिखा रहे हैं मुर्गा, ये है पीला सिंधी मुर्गा, और बहुत ही ज़बरदस्त मुर्गा, चोरस नली मजबूत जोड़ों का, नॉक नली का बहुत ही मजबूत, इस वक्त क्रीज पर है मुकम्मल, तो अपनी कंडीशन में नहीं है, बहुत अच्छा मुर्गा है, जबरदस्त बहुत ही आला। ये हमारे पास एक और मुर्गा मैं आपको दिखा रहा हूँ, रत्ता लाखा और सिंधी नस्ल का ये रत्ता लाखा है, इसके साथ स्लेटी मुर्गी है दूसरी सिंधी मुर्गी, और ये बहुत ही और एक एक चीनी मुर्गी है, बहुत ही जबरदस्त ये यूनिट हमारा, ये भी वाइट नॉक नली में चोरस नली मजबूत जोड़ों का मुर्गा। ये हमारे पास वाइट हीरा, बहुत ही अच्छे पॉइंटों का मजबूत जोड़ों का मुर्गा है ये, और इसके चोरस नोक नली नली बहुत जबरदस्त चोरस नली का। ये मैं आपको इसकी गर्दन दिखाता हूँ, मोटी जबरदस्त मजबूत नली, और ये आपको इसके दिखाता हूँ, ये नली देखिए खरपेल नली चोरस नली, और ये इसकी चोंच दिखाते हैं आपको फेस।
क्या ही बात है जी, मोटी गर्दन का, मजबूत जोड़ों का मुर्गा, बहुत ही जबरदस्त। इसके साथ भी दो मुर्गी हैं, एक मुर्गी तो कुड़क होके बैठी हुई है अंडों के ऊपर। ये आपको मुर्गा दिखा रहे हैं, इस वक्त ये फुल क्रीज पर है। ये हमारे पास मुर्गी कुड़क थी तो उसके हमने इसके नीचे ये अंडे रखे थे जावे के, 6 बच्चे निकले हैं, बहुत ही अच्छे जबरदस्त क्वांटों के ये पैर थे उसके, ये अंडे रखे थे तो उसमें से ये निकले हैं बच्चे। हमारे पास 7 अंडे रखे थे और उनमें से ये 6 बच्चे निकले हैं, बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह। ये मुर्गी कुड़क पे बैठी हुई थी, इसके नीचे ही रख दिए थे, ऑफ सीजन था उस वक्त, हमारा इंक्यूबेटर मशीन बंद थी हमारी, तो हमने इनके जो मुर्गियां कुड़क हुई तो उनके नीचे ही अंडे रख दिए और यहाँ ये निकल आए थे। या फिर इंक्यूबेटर मशीन हमने अपनी चलाई हुई है ऑन कर दी है, तो अब मजीद जो अंडे आ रहे हैं वो हम रख रहे हैं उनके नीचे जी। यहाँ पर भी ये हमने कुछ अंडे रखे हुए थे इस मुर्गी के नीचे, तो इसके भी बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ अंडे हैं ये अब निकलना शुरू हुए, तकरीबन आज तीसरा दिन है, तो इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि आज थोड़ी सी ठंड भी है और जो बच्चे नीचे इसके छुपे हुए हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके तमाम बच्चे जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हैं ये माशाल्लाह तीतर, आज वीडियो में आप ये आपको दिखाते हैं। ये पेयर आपको सबसे पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फीमेल इस वक्त क्रीज पर है और ये ईरानी की, और पीछे ये मेल, ये मिट्टी के अंदर खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं खेलकर। यहाँ पर हमारे पास हैं ये दक्कनी तीतर का एक पेयर, माशाल्लाह जबरदस्त पेयर है ये हमारे पास, दक्कनी तीतरों का ब्रीडर पेयर है ये। पहले पहले जो शुरू में नजर आ रही है ये फीमेल है और उसकी दूसरी जानब ये मेल। इस मेल और फीमेल की पहचान नहायत ही आसान है क्योंकि इसके जो मेल होते हैं उनकी खार होती है और फीमेल की खार नहीं होती जी। अब जो आपको दिखा रहे हैं ये हमारे पास ईरानी की एक फीमेल है, साथ इसके खड़े हैं 2 बच्चे और बच्चों में भी जो है अब ये शो होना शुरू हो गए हैं। एक मेल है एक फीमेल है, जो पहली नज़र आ रही है ये फीमेल है और दूसरे नंबर वाला वो मेल है। ये थोड़ा सा लगता है उसके बाद जाके ये पता चल जाता है कि ये मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। बिल्कुल जब छोटे बच्चे होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा इनकी पहचान मुश्किल है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम पीरियड गुजरता है तो पता चल जाता है। ये तकरीबन 2 से 2.25 माह के हैं ये बच्चे दोनों, मज़ीद आके दिखाते हैं। और जी ये आपको एक और हम पेयर दिखा रहे हैं अपने तीतरों का, माशाल्लाह ये हमारे ब्रीडर तीतर हैं। ये पिछली बार भी इसी के अंदर ही जाके, ये पिंजरा आपको नज़र आ रहा है अंदर जो हमने रखा हुआ है, फीमेल ने जाके इसी के अंदर अंडे दिए थे और बच्चे भी यहीं निकाले थे इस फीमेल ने, कि हमने अंडे उठाकर अपने इंक्यूबेटर मशीन में नहीं रखे, यहीं से इनके बच्चे निकलवाए थे। और इस बार फिर ये अब अंडों पे आने वाली है, अन करीब इनके अंडे आना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास कुछ चकोर खड़े हैं, चलते हैं आपको चकोर भी दिखाते हैं चल के। ये आपको दिखा रहे हैं हम चकोर, ये फीमेल है चकोर की और अभी आपको ये मेल आ गया है, ये भी ऊपर स्टिक पर आके बैठ गया है मेल, बहुत ज़बरदस्त है। अब इनके सीज़न के दिन शुरू होने वाले हैं, पिछली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था ये क्रीज पे आए हुए थे, अब ये तकरीबन 80% अपनी क्रीज मुकम्मल कर चुके हैं, अपने ऊपर आ चुके हैं और अब इंशाल्लाह मज़ीद जो है ये क्रीज मुकम्मल जैसे ही कर लेंगे उसके बाद ये है कि इनके अंडे आना हमारे पास शुरू हो जाएंगे। मैं थोड़ा क्लोज करके इसका फेस दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत फेस है इसका, ये मेल है। मेल की पहचान यही है कि
इनकी ये खारें होती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जो फीमेल है, फीमेल की खार नहीं होती जैसे ये असील मुर्गों की होती हैं, लड़ाने के लिए खारें निकल आती हैं। मेल और फीमेल की ये एक वादे पहचान है कि इनके, क्योंकि इनके फेस मिलते जुलते होते हैं, और ये तो थोड़ी फीमेल छोटी है, वरना ऐसे है कि फीमेल और मेल के हाइट कद उनका वजूद सब बराबर होता है और इनकी पहचान यहीं से ही होती है। बाकी इनके कलर, हेड, चुंच और टांगों के कलर सेम होते हैं। अब इसके बाद हम मज़ीद आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन ये है कि इन्हें आप फीड भी दे सकते हैं जो हम मुर्गियों को फीड देते हैं, उसके अलावा आप इन्हें मिक्स दाना दे सकते हैं, उसमें आप मुख्तलिफ बीजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फीड के अंदर भी मिक्स दाना मिला दें वो भी दे सकते हैं आप, जिसमें आप चने का डकरा हो गया, बाजरा हो गया, चीना दे सकते हैं, उसके अलावा आप इन्हें दे सकते हैं कनक का बीज भी इन्हें दे सकते हैं। और आप जब फीड के अंदर कुछ मज़ीद दाने मिक्स करेंगे, इसमें यह है कि आप मौसम के हिसाब से देखकर बीजेस के इंतखाब करेंगे। अगर गर्मी है तो उसमें थोड़े ठंडे बीजेस, और अगर सर्दी हैं तो फिर आप गर्म बीजेस का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही आज की वीडियो का भी यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। जाने से पहले मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उन दोस्तों का जो आउट ऑफ कंट्री से हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं और उन्हें शेयर भी करते हैं, लाइक करते हैं, उनका स्पेशल थैंक्स। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को पुश कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।